सारे मजे हुए कलाकार इतना महंगा सेट भरपूर कलर का इस्तेमाल फिर बिना लॉजिक के इन सब को बर्बाद करके बड़े पर्दे पर दिखाया जाए, कोई इनसे सीखे। जी हाँ, कलरफुल मूवी थी। सारे स्टार कास्ट ने भी प्राइमरी और सेकेंडरी कलर के जैसा काम किया है, पर सब मिक्स हो जाएगा, किसी की भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रह पाती है। लास्ट में ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा मूवी देख के आपका मन। रोहित शेट्टी के जितने भी लॉयल फैंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस मूवी को देखने के बाद उनका हाल भी ऐसा ही हो रहा होगा। कॉमेडी फिल्में हो या एक्शन, रोहित शेट्टी की अपनी एक स्टाइल है और वो उसमें बेस्ट हैं। लेकिन बता दे, सर्कस उनकी अब तक की सबसे कमजोर फिल्म लगी। यूनुस जायसवाल द्वारा लिखित पटकथा बेहद ढीली है, जिस वजह से तगड़ी स्टार कास्ट होते हुए भी फिल्म एक पक्ष में औसत दिखती है। रोहित शेट्टी ने कभी रेट्रो गानों के जरिए तो कभी गोलमाल के ट्विस्ट के जरिए लोगों को थोड़ा नॉस्टैल्जिक करने की कोशिश की है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ा बेहतर होती है, लेकिन शुरू से ही कहानी इतनी फ्लैट जाती है कि आपके लिए फिल्म में बंधे रह पाना मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, बल्कि यह शायद पहली बार ही होगा कि रोहित शेट्टी ने अपने किरदारों के साथ भी न्याय नहीं किया है। वहीं सबसे बड़ा अफसोस होता है क्लाइमेक्स देखकर। सर्कस के पूरे सेटअप को इस फिल्म में जिस तरह से बर्बाद किया गया है कि आपको फिर हेरा फेरी की याद आ जाती है, जहां सर्कस का सीक्वेंस बहुत ही अच्छे से फिल्माया गया था। अब बात आती है, कितने स्टार दूं इस मूवी को? ऑलरेडी इतने स्टार है, अब क्या देना इस मूवी को? कुछ नहीं देना, पूरा मूड ऑफ कर दिया, मैं चलता हूं, बाय, टेक केयर, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Sorry, it's DJ.